हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीति गली में वेलकम है। आज मैं आपको बता रही हूँ गर्म कपड़ों की देखभाल किस तरह से की जाए। तो उसके कुछ टिप्स हैं जो आपको बता रही हूँ, जो आपको ध्यान रखने हैं। गर्म कपड़ों को धोते समय डिटर्जेंट का खास ध्यान दें। ये मैं आपको बुक्स में से बता रही हूँ, लेकिन यह कि पढ़ के बताने से उसको हमें जल्दी समझ में आ जाता है और थोड़ा उसकी डिटेल समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले है, गर्म कपड़ों को धोते समय डिटर्जेंट का खास ध्यान दें। इसे हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट, ऐसे डिटर्जेंट जो खास तौर पर उन्हीं कपड़ों के लिए बनाए गए हैं, उनसे ही धोए। इससे कपड़े आपके सिकुड़ेंगे नहीं और रंग और चमक बरकरार रहेगी। गर्म कपड़ों को साफ करते समय ज्यादा रगड़े नहीं, ज्यादा रगड़ने से उन्हीं कपड़े फीके पड़ जाते हैं। गर्म कपड़ों को बिना मतलब न धोए, बार बार धोने से भी कपड़ों की चमक फीकी पड़ जाती है, इसलिए इन्हें एक या दो हफ्ते के अंतराल में ही धोए। ध्यान रहे, गर्म पानी में बिल्कुल न धोए। गर्म पानी से धोने से टैग जरूर चेक करें, दिए गए निर्देश के अनुसार साफ करें। कई बार हम लापरवाही में इन्हें देखते नहीं हैं। खामियाजी के तौर पर महंगे कपड़े खराब कर लेते हैं। सर्दियों के मौसम में खत्म होने के बाद एयर टाइट जो बैग होते हैं उसमें रखें, कपड़ों के साथ ऑर्डिनल भी रखना न भूलें। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि वॉशिंग मशीन से धोते हैं तो कौन कौन से कपड़े रखें। तो नायलॉन, स्पेंडेक्स, पॉलिस्टर या सूती कपड़े को वॉशिंग मशीन से आसानी से धोया जा सकता है, लेकिन मशीन में किसी भी कपड़े को डालने से पहले उस पर लगा लेबल जरूर देख लें। कपड़ों को उलटकर मशीन में ना डालें। ध्यान रहे, नाजुक कपड़ों के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। गर्म पानी में धोने से कपड़े का रंग और बनावट और उसकी जो बुनाई वगैरह है वो खराब होने का डर रहता है। इसके अलावा गहरे और हल्के रंग के कपड़े हमेशा अलग अलग ही धोएं। कपड़ों को ड्रायर में सुखाने से बचें, इससे कपड़े सूखने का खतरा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताई सावधानी क्या रखनी चाहिए, टिप्स क्या रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तो देखते रहिए मेरे चैनल प्रीति गैलरी, प्रीति मीडिया, और भी प्रीति जैन धर्म मेरे बहुत चैनल है, उसको आप जरूर से जरूर ध्यान करके सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, बाय बाय।